इस प्रोजेक्ट की स्पेशल डील्स और ऑफर्स और बिल्डर या सहयोगी से चैट, ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल पे बात करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं बाय इंडिया प्रॉपर्टी ऐप, और ऐप को कैसे इस्तेमाल करें वो इस वीडियो के आखिर में बताया गया है। और प्रॉपर्टी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की प्राइम नॉलेज पार्क 5 की प्राइम लोकेशन में बन रहा हो, जो ऑलरेडी आईटी और आईटीएस कंपनीज का हब बनता जा रहा है, एक अफोर्डेबल टिकट साइज में केवल 4.5 लाख रुपए से अपने ऑफिस का सपना पूरा करता है, और साथ ही में रिटेल दुकानें, ऑफिस स्पेस, स्टूडियोज, विलास और अपार्टमेंट्स के भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बिजनेस सेंटर नॉलेज पार्क 5 की एक प्राइम लोकेशन में बन रहा एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड बिजनेस सेंटर एक छोटे टिकट साइज से बड़े टिकट साइजेस के सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है, और साथ ही में शॉर्ट रेंटल और लीज गारंटी के साथ में इसे लेने के लिए एक प्रीमियम प्रोजेक्ट बना देता है। 10.5 एकड़ पे फैला हुआ ये प्रोजेक्ट एक मिक्स लैंड यूज का प्रोजेक्ट है, जिसमें 5.5 एकड़ पे कमर्शियल स्पेस जिसमें ऑफिस दुकानें बन रहे हैं, और वहीं पे 5 एकड़ पे रेजिडेंशियल विलास और अपार्टमेंट्स बनेंगे। प्रोजेक्ट 2 अलग-अलग फेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें फेज 1 में ऑफिस टावर्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। 3 ऑफिस टावर्स T1, T2, T3 अलग-अलग हाइट के हैं, पर सभी टावर्स में ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड पे रिटेल दुकानें हैं, और वहीं पे 3rd फ्लोर पे फूड कोर्ट, 4th फ्लोर ऑनवर्ड्स ऑफिस स्पेसेस हैं जो फर्निश्ड और अनफर्निश्ड के ऑप्शन प्रोवाइड करता है। T1 ग्राउंड प्लस 16 स्टोरी का है, और वहीं पे टावर T2 ग्राउंड प्लस 9 स्टोरीज, और टावर T3 और T4 ग्राउंड प्लस 15 स्टोरी का है। सभी टावर्स में 2 लेवल की बेसमेंट पार्किंग भी मिलती है, और सभी टावर्स के बीच में पोडियम फ्लोर पे कॉमन एमिनिटीज जिसमें पार्क एरिया बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट को लोकेशन का काफी बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, और नॉलेज पार्क 5 मल्टीनेशनल कंपनीज का एक हब बनता जा रहा है, जिसमें काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने ऑलरेडी लैंड्स तो ले ही ली है, पर इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो हीरा नंदानी की फर्म योटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बना रहा है। ये डेटा सेंटर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेटा सेंटर तो बनेगा ही, पर इसके अलावा भी यहाँ पे हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देगा। वहीं पे नॉलेज पार्क 5 के सामने इकोटेक 3 का काफी बड़ा एरिया है, जहाँ पे काफी सारी प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज बनी हुई है, जिनमें न्यू हॉलैंड फिएट, डाना ग्रिजियानो, टोयो इंक, यामाहा मोटर्स, मिंडा कॉर्पोरेशन जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेशनल है। गौर चौक से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पे बालक इंटर कॉलेज के सामने ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा और नोएडा के नजदीक में है, और दोनों जगहों से ही एक्सेस किया जा सकता है। नॉलेज पार्क 5 के पास में काफी बड़ा ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट का रेजिडेंशियल एरिया है, जो कि काफी सारी कंपनीज के लिए इसे एक प्रेफरेबल डेस्टिनेशन बना देता है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा एजुकेटेड मैन पावर बड़े आराम से मिल जाता है, और आसपास में काफी सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस भी हैं, जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट इन सभी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए पूरा कर सकते हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो नॉलेज पार्क 5 की एक प्राइम लोकेशन में जो आईटी और आईटीएस का हब बनता जा रहा है, एक अफोर्डेबल टिकट साइज में ये प्रोजेक्ट दुकानें और ऑफिस के स्पेसेस के ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जो लेने के लिए एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है।